good morning students welcome back to your business studies classes we are dealing with the chapter number 10 that is financial market in from this chapter i have sent already first video which includes meaning and concept as well as uh, financial system i had described the financial system with the help of a diagram in today's video we are going to deal with few topics that is concerns of financial management क्लासीफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड वी विल डिस्कस देन मनी मार्केट ओके टू दे आर बेसिकली फोर मेन फंक्शन ऑफ फिनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट के मेनली चार फंक्शंस होते हैं मेन फंक्शन्स चार होते हैं पहला है मोबिलाईजेशन ऑफ सेविंग एंड चाइनलिजिंग दैम इन टू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज इसका मतलब होता है जैसे हम लोग इन द लास्ट वीडियो वी हैड है मार्केट हमने फर्स्ट लाइन पढ़ा था कि फिनेंशियल मार्केट क्या होता है मार्केट इज अ लिंक बिटवीन ओके द सेवर्स एंड ओके इट इज अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड बोरोस ओके इसका मतलब ये होता है कि वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में वो सेवर्स को क्या करता है इनकरेज करता है कि वो क्या करे अपनी सेविंग्स करे Okay? And at the same time, वो भी क्या करता है लेंड करता है वही सेविंग्स को क्या करता है फिर बोरवर्स को दे देता है ठीक है तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग मतलब सबसे पहले वो क्या उसका फंक्शन क्या है कि वो सेविंग को इनकरेज करता है ओके एंड चैनलिजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजर्स और उसके जो यूजर्स हैं ठीक है जो बोरोअर्स हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस फॉर डेवलपिंग न्यू काइंड ऑफ बिजनेस फॉर मॉडर्नाइजेशन फॉर एक्सपेंसन फॉर ग्रोथ एनी टाइप ऑफ बिजनेस इफ दे रिक्वायर एनी टाइप ऑफ फंड देन वैसे बिजनेसमैन को ये क्या करते हैं चैनलाइज कर देते हैं सेविंग्स uh, को ओके okay? तो इसीलिए सबसे पहला मनी मार्केट का सबसे पहला फंक्शन ये है कि वो सेविंग्स को इनकरेज करते हैं एंड सेकेंडली वो क्या करते हैं सेविंग्स को वहां ट्रांसफर कर देते हैं जहां पे की उसकी रिक्वायरमेंट है ओके इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजर्स ओके तो ये थी पहली फंक्शंस ओके सेकेंड फंक्शन अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये है फैसिलिटेट प्राइज डिस्कवरी ओके ये क्या करती है फैसिलिटेट करती है प्राइज डिस्कवरी इसका मतलब ये होता है कि आप देखोगे कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस आप इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर आपने में पढ़ रखा है उसमें क्या कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होता है सपोज किसी का डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है तो प्राइस क्या होगा ठीक है सप्लाई कम है तो प्राइस ज्यादा हो जाता है प्राइस इंक्रीजेस एट द सेम टाइम अगर वहां पर हमारा आ, सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड ही नहीं है ओके मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है तो क्या हो जाता है उसका प्राइस अपने आप डिक्रीज हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे जो फिनेंशियल सिक्योरिटीज जो है जिसको फिनेंशियल मार्केट किस में डील करती है फिनेंशियल सिक्योरिटीज में डील करती है तो उसका प्राइस भी इसी प्राइस डिस्कवरी पे बेस्ड होता है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होता है जैसे आप तो देखते हैं स्टॉक मार्केट अभी देखो अभी हमारा इस कंट्री जो क्या है डाउनफॉल में जा रहा है ओके okay, हमारी जो इकोनॉमी है बिल्कुल ब्रेकडाउन हो गया है इकोनॉमी का तो अभी जो शेयर मार्केट है उसकी हालत काफी खराब है ओके okay, अगर अभी आप गौर करो जा करके तो देखो शेयर्स की वैल्यू बिल्कुल गिर रही है क्यों गिर रही है क्योंकि लोग के, के पास इतना पैसा नहीं है कि वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर सके ओके मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर नॉट वर्किंग ओनली ओके तो इस तरह से क्या करती है जो सिक्योरिटीज होती है फिनेंशियल uh, मार्केट में उसमें प्राइस कैसे फिक्स करना है दैट इज प्राइस डिस्कवरी ये भी फैसिलिटेट करती है ओके नाउ जंपिंग इन टू द थर्ड पॉइंट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फिनेंशियल असेट ओके इन द फिनेंशियल मार्केट फिनेंशियल सिक्योरिटीज कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड इजिली सो फिनेशियल मार्केट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू कन्वर्ट सिक्योरिटीज इनटू कैश ओके इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो हमने एक बार सिक्योरिटीज खरीद ली ओके okay? और दो दिन बाद क्या हुआ उसका प्राइस बढ़ गया ओके okay? तो हम लोग इजिली क्या करते हैं कि उसको सेल कर देते हैं फिनेंशियल मार्केट में हम उसको क्या करते हैं सेल कर देते हैं और तुरंत अपने हाथ में कैश ले लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग फिनेंशियल असिट्स को तुरंत बेच करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ओके okay? और ये फिनेंशियल मार्केट हमें एक सुविधा देती है जिसमें हम क्या करते हैं अपनी सिक्योरिटीज को सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसीलिए ये इसका थर्ड पर्सन है कि ये प्रोवाइड कराती है लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असिड जितने भी फाइनेंशियल असिड्स हैं सिक्योरिटीज हैं शेयर्स हैं सबको क्या करती है आप आराम से जाकर के फाइनेंशियल मार्केट में तुरंत सेल कर सकते हो और उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो दैट इज कन्वर्ट इन कैश कन्वर्टिंग इंटू कैश ओके तो आप उसको जो हम लोग कैश में कन्वर्ट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लिक्विडिटी ओके फोर्थ फंक्शन इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या करती है आपको आप अगर कोई वेबसाइट में जाओगे जो जो कि शेयर मार्केट से डील करती है या फिर फाइनेंशियल मार्केट से डील करती है तो आप देखोगे कि वहां पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है रिगार्डिंग प्राइस अबेबिलिटी कॉस्ट ऑफ फिनेशियल सिक्योरिटीज ओके okay, आपको हर एक चीज के बारे में आपको पूरी पूरी जानकारी इंफॉर्मेशन दी जाती है ठीक है रिगार्डिंग व्हाट आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है प्राइस ऑफ सिक्योरिटी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ सिक्योरिटी ओके ओके वेरियस एंड अवेबिलिटी वो लोग अवेलेबल है कि नहीं है ठीक है मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है ये सारे इंफॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड कराता है फिनेंशियल मार्केट प्रोवाइड कराता है ओके okay? तो आप जो इन्वेस्टर है या फिर कोई कंपनी है ओके okay, तो उनको ज्यादा वक्त नहीं लगता है कि इन्फॉर्मेशन सर्च करने में या तो इधर उधर कॉस्ट स्पेंड करके इन्फॉर्मेशन निकालने में वो इजिली क्या कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन यहां से एक्वायर करके बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं ओके okay? तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ जो ट्रांजैक्शन है उसको रिड्यूस कर देती है क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है अबाउट फिनेंशियल मार्केट

कैपिटल मार्केट इज अगेन क्लासीफाइड इन टू टू सब टॉपिक्स ठीक है फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मार्केट ओके वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक जो भी टॉपिक का भी मैंने आपको नाम बताया सबको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं सो नो नीड टू बी पैनिक अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक ओके अभी हम स्टार्ट करेंगे मनी मार्केट क्योंकि देखो ये बहुत ही शॉर्ट है थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का क्योंकि अभी हम लोग कैपिटल मार्केट स्टार्ट करेंगे तो फिर ये सब भी हमें पढ़ना पड़ेगा तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आज के वीडियो में हम लोग ये कंप्लीट करेंगे कैपिटल मार्केट ओके